आधिकारिक तौर पे समापन हो गया था आज G20 सम्मेलन का दो दिवसीय, लेकिन पत्रकार इतने प्रधानमंत्री के आने के इंतजार में यहाँ थे कि प्रधानमंत्री यहाँ, ये भी उम्मीद पहले जताई जा रही थी कि कहीं छोटा इंटरेक्शन भी ना हो उनसे, इस उम्मीद में थे, लेकिन वो आए, हजारों पत्रकारों के बीच से गुजरे, उनका अभिवादन स्वीकार किया और अभी यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर का जो इस वक्त बहुत बड़े हॉल में यहाँ एक साथ में 1500 लोगों की बैठने की व्यवस्था ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ग्राउंड हॉल तक आए और तमाम पत्रकार यहीं जमा थे और सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी और यहाँ वो लोगों के साथ अभिवादन स्वीकार किया और निकल गए यहाँ से और कई बायलैटरल मीटिंग भी की थी G20 सम्मेलन की समाप्ति के बाद, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और अपने भारत का पक्ष भी उनके सामने रखा, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये स्टॉल वगैरह तमाम चीज़ें लगाई गई थी और यहाँ प्रधानमंत्री बहुत कम वक्त के लिए, महज 3 से 4 मिनट के लिए मुझे लगता है पूरे हॉल में पत्रकारों का अभिवादन। लेकिन नीरज, जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 3 मिनट में रही है वो अपने आप में बताती है कि जिस विजन के साथ, जिस फोकस के साथ इसकी शुरुआत हुई थी उसका अंत उतना ही बेहतरीन हुआ है। देखिए, चेहरे की उनकी चमक बता रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो कितने उत्साहित थे, जिस तरह से एक के बाद एक बैठकों में उन्होंने 3 सत्र का नेतृत्व किया, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में G20 का आयोजन हुआ उसका उन्होंने नेतृत्व किया और उसके बाद कई बायलैटरल मीटिंग्स, 15 से अधिक बायलैटरल मीटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस वक्त करीब 8 बजने को है रात के और यहाँ पत्रकारों को देख सकते हैं अभी भी यहाँ मौजूद हैं, इसी इंतज़ार में थे कि प्रधानमंत्री यहाँ आए, अगर इंटरैक्टिव सेशन भी कुछ होता है, कई बार होता है प्रधानमंत्री आपके सवालों का जवाब दे, आप उनसे बात करें तो हल्की फुल्की बातें हो जाती है, G20 से जुड़े अगर सवाल भी होते तो वो भी पूछ लिए जाते और यहाँ पत्रकारों को आप देख सकते हैं इस वक्त लगातार मौजूद हैं कि लोग इतनी बड़ी संख्या में, अभी भी आमतौर पर ये हॉल खाली हो जाता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं आना होता, लेकिन इतनी संख्या में पत्रकारों की संख्या यहाँ आपको बता रही होगी कि इतने लोग इसीलिए मौजूद थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की सफलता के बाद, भारत की अध्यक्षता में दिल्ली घोषणा पत्र जारी होने के बाद यहाँ आने वाले थे और इसीलिए हम सब पत्रकार यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया, हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें बधाई जरूर दी उसको भी स्वीकार किया, लेकिन जल्दी में थे क्योंकि वक्त की पाबंदियाँ भी इस वक्त बहुत हैं, क्योंकि एक के बाद, हालांकि उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स यानी द्विपक्षीय बातचीत तमाम देशों के नेताओं के साथ, अलग अलग देशों के नेताओं के साथ 15 से अधिक बैठकें पिछले 3 दिन में सत्र के अलावा G20 की बैठक के अलावा निपटा लिया, उनके पास भी वक्त कम था, लेकिन वक्त कम वक्त में ही उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का दौरा किया, चेहरे ने बयां कर दिया है कि वो काफी सैटिस्फाइड हैं जैसा काम किया गया और जैसा रिएक्शन मिला बाकी नेताओं से। नीरज, देश के पत्रकार तो थे ही, इंटरनेशनल मीडिया भी बड़े पैमाने पर आया था और इंटरनेशनल मीडिया ने जो आर्टिकल्स या इस बार जो दिखाया वो बता रहा है कि वो भी इतना ही इससे प्रभावित रहे हैं। आप क्योंकि लगातार कवर करते रहे, ये बताइए कि कितना इंटरनेशनल मीडिया भी बदला, पहले क्या आर्टिकल्स छपते थे और आज G20 के बाद क्या आर्टिकल्स छप रहे हैं भारत के लिए। बिल्कुल, देखिए, भारत G20 की अध्यक्षता के बाद खासकर यूक्रेन के मसले पर ये बार बार सवाल उठ रहा था कि खासकर पिछले बार फरवरी में जब वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यूक्रेन के मसले पर सहमति नहीं बनी, उसके बाद महज 7-8 दिन बाद 1-2 मार्च को जब विदेश मंत्रियों की बैठक होती है G20 देशों के, उसमें सहमति नहीं बनी तो सवाल बहुत उठा था कि 6 महीने बाद क्या भारत इस स्थिति में होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूक्रेन पर कोई सहमति बनाए। लेकिन मोदी का मैजिक चला, जो हमें सरकार के वरिष्ठ सूत्रों से जानकारी मिले, यूक्रेन के मसले पर और बाकी मसले पर मोदी का मैजिक चला और जब एक बार ऐसा लगने लगा कि शायद यूक्रेन के मसले पर कोई बात नहीं बन पाएगी, कोई सहमति नहीं बन पाएगी, तब प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, टीम भारत को निर्देश दिया कि आप जल्दी से तमाम देश के लोगों से बात कीजिए और इसमें इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने भारत का पुरजोर समर्थन किया और सहयोग किया और भारत के साथ मिलकर काम किया और उसके बाद तमाम देश, यूक्रेन को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उस पर सहमति बनी। नॉन स्टॉप 200 घंटे निगोशिएशन हुए रशिया और यूक्रेन के मसले पर, 300 के करीब बैठकें हुई, 15 ड्राफ्ट तैयार किया गया, देखिए 37 पन्नों का कुल नई दिल्ली डिक्लेरेशन है, 8 पैरा ऐसा है
जिसमें रशिया और यूक्रेन के मसले पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे चर्चा है, लेकिन उन 8 पैरा को बनाने के लिए 15 बार ड्राफ्ट तैयार किए गए, 300 से अधिक बैठकें हुई, बायलेटरल मीटिंग्स हुई अलग अलग देशों के नेताओं के बीच, शेरपाओं के बीच, शेरपा से नीचे जो अधिकारी होते हैं उनके बीच, और 200 से अधिक घंटे तक नॉन स्टॉप बातचीत चलती रही। तो इस तरह से उपलब्धियां जो है अब भारत के साथ जुड़ गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के साथ भी जुड़ गई हैं। 2 दिनों से आप भी भारत मंडपम में, इससे पहले आप बाली भी गए थे, वहां का आयोजन भी आपने देखा, वहां के आयोजन और G20 जो भारत में हुआ उसके आयोजन में आपको कितना फर्क नजर आया? और इन 2 दिनों में आपने भी इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से बातचीत की होगी, देखिए अखबारों में तो हम देख ही पा रहे हैं, फ्रंट पेज न्यूज है कि G20 में भारत का जलवा नजर आया, आपने बातचीत की होगी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए अगर G20 की बात करें दूसरे देशों की, पिछले साल इंडोनेशिया में बाली में हुआ था और इससे पहले के तमाम सम्मेलन की भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 की बैठक को एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश के अलग अलग शहरों में 60 शहरों तक पहुंचाया, देश के हर राज्य में इसकी बैठक की, क्योंकि सम्मेलन तो 2 दिनों का होता है जो आज खत्म हो गया, लेकिन इसकी बैठकें साल भर चलती है। लेकिन इंडोनेशिया की अगर तैयारी की बात करें, पिछली बार बाली में सम्मेलन की वहाँ भी अच्छी व्यवस्था थी, हर देश अपने हिसाब से व्यवस्था करता है, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर वहाँ का भी अच्छा था, लेकिन यहाँ का भी हंगम है। लेकिन यहाँ के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हम आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें, कहीं आपको ब्रह्मपुत्र नदी का नाम मिल जाएगा, वर्क जोन्स इस तरह के बनाए गए थे कि उन्हें नदियों के नाम पर रखा गया था, इंटरव्यू पत्रकारों का जहाँ ब्रीफिंग होता है उसको पहाड़ों के नाम पर नाम दिया गया था, पहाड़ों के श्रृंखला के नाम पे नाम दिया गया था, और इधर कमल राष्ट्रीय पुष्प जो हमारा है, जो कि G20 का लोगो आपको सामने दिख रहा होगा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसपे 3 वर्किंग सेशन थे उसके आधार पे वर्किंग सेशन था, और राष्ट्रीय पुष्प आपको हर जगह दिखेगा, और ये भारत के हर राज्य की तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। हमारे कैमरा पर्सन नीरज तिवारी आपको हर एक कोने की तस्वीर इस वक्त बयां कर रहे हैं, और ये एक हॉल है, आपको बता दें ये एक हॉल है, इसके अलावा ऊपर में भी इसी तरह का विशाल विहंगम हॉल है। तो हर देश अपने तरीके से तैयारी करता है, लेकिन भारत का G20 सम्मेलन अपनी उपलब्धियों की वजह से, अपने घोषणा पत्र की वजह से विरासत हुआ है, और हम कल्चरली बहुत रिच हैं, वही हमने अपनी सबसे बड़ी USP बनाई और वही हमने दिखाया और वही लोगों को पसंद भी आया। नीरज, नेता क्या करता है उसका बड़ा असर पड़ता है, परसेप्शन, उसका तरीका, उसका हाव भाव, हर चीज़ का बड़ा असर पड़ता है। आप देखिए इतना बिजी शेड्यूल था, 2 दिन तक बिजी शेड्यूल रहा, लेकिन बावजूद इसके जब खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि किस तरीके से आज मीडिया से मिला जाए। बिल्कुल, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे उस समय वहां पर कैसा माहौल था, हमारे सहयोगी विक्रांत यादव बता रहे हैं क्या कुछ हुआ। बेसफल G20 समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायलेटरल बैठकें निपटाई और उसके बाद वो देखिए क्राफ्ट मेले में गए, जहां पर देश भर से आए हुए तमाम जो क्राफ्टमैन थे, कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, और अब वो मीडिया से मिलने आए हैं, क्योंकि 2 दिनों से मीडिया इसी हॉल में रहकर इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, देश विदेश के मीडिया कर्मी यहां पर पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए अब उनसे मिलने, हम लोगों से मिलने इसी मीडिया एनक्लोजर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और क्योंकि बेहद ही सफल यह दौरा प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री का आप देखिए कि यहां पर पहुंचे हैं और सभी को मीडिया कर्मियों से भी मिल रहे हैं, सबका धन्यवाद दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप सबको धन्यवाद, वेव हैंड कर रहे हैं सभी के सामने, और प्रधानमंत्री तमाम, क्योंकि यहाँ पर देश और विदेश के तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन सभी से मिलने के लिए, उन सभी के पास आप देखिए कि पूरे हॉल में राउंड ले रहे हैं, जहाँ पर इसी हॉल में 2 दिनों से रिपोर्टिंग चल रही थी, और देश विदेश के तमाम पत्रकार यहाँ पर उनके लिए चाय पानी, क्योंकि विदेश से आए हुए मेहमान थे, और पूरी तरीके से एक चीज़ इस बार के कार्यक्रम में देखने को मिली कि पूरी तरीके से वेजिटेरियन भोजन, भारतीय पारंपरिक भोजन यहाँ पर हुआ, और इस समय प्रधानमंत्री जो सर्विस में लोग लगे हुए थे उनके पास रुककर भी उनसे बातचीत की, और आगे तक सभी लोगों के बीच में वहाँ पर जा रहे हैं। 2 दिन बेहद ही हेक्टिक यहाँ पर कार्यक्रम था, और दोनों दिन, पहले दिन बैठक चली समिट
इतना सफल हुआ कि समिट में से रास्ता निकला, बैठक में से रास्ता निकला, एक सहमति बनी, एक बड़ी सहमति बनी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी उन्होंने कई अपनी बायलेटरल मीटिंग की, पहले आज दूसरे दिन का सत्र हुआ, उसके बाद अपनी बायलेटरल बैठक उन्होंने की। और जैसे ही बायलेटरल बैठक खत्म हुई उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आ गए मीडिया के हॉल में भी। जैसा आज पीएम ने कहा कि G20 के समिट को, G20 को लेकर हम एक समीक्षा बैठक करेंगे 20 तारीख को, तो शायद मीडिया के बीच भी वो समीक्षा करने आए थे कि ये कार्यक्रम कैसा रहा। पूरा देश और दुनिया ये कह रहा है कि G20 समिट सफल हो गया है, लेकिन पीएम शायद देश दुनिया के मीडिया कर्मियों के बीच भी आकर एक रिव्यू करना चाहते थे। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, G20 वेन्यू। तो एक बार फिर से नीरज का रुख करते हैं। नीरज, देखिए वही बात मैं कह रही हूँ जिस बात को आपने देखा कि हमारे सहयोगी विक्रांत भी कह रहे थे कि इतने बिजी शेड्यूल में और सब कुछ खत्म होने के बाद वो शायद नहीं भी आते तो भी चलता, लेकिन वो आए रिव्यू करने के लिए और सभी से मिलने के लिए कि आपका भी उतना ही सहयोग था, धन्यवाद कहने के लिए।